डीडी फ्रिज दोस्तों पता नहीं क्या से क्या करता जा रहा है। यहाँ पर डीडी फ्रिज की ई ऑक्शन तो होती है लेकिन कोई भी ब्रॉडकास्टर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हर दिन यहाँ पर कोई ना कोई चैनल जरूर हट जाता है और आज भी ऐसा ही हुआ है। डीडी फ्रिज से एक हिंदी चैनल हट चुका है। कौन सा वो चैनल है दोस्तों, कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए। डीडी फ्रिज पर देखिए दोस्तों, एक हिंदी चैनल, एक हिंदी न्यूज का चैनल मैं कहूँगा, शायद उसको आप लोग इतना देखते भी नहीं होंगे और बहुत से व्यूअर के पास वो सेट टॉप बॉक्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों को MPG4 सेट टॉप बॉक्स में देखने को मिल रहा था। मतलब पिछले टाइम जो है MPG2 से एक इंडिया डेली लाइव हट चुका था, फिर से वापसी कर चुका था। अब इस बार जो है एक MPG4 से जो चैनल हटा है वो है बंसल न्यूज़। भाई एक न्यूज़ का चैनल था, ठीक है, और इतना खास शायद आप लोग देखते ही नहीं होंगे, चलिए किसी काम का तो नहीं था, हट चुका है तो भी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐड था तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं था इस चैनल से, ठीक है। तो ये चैनल दोस्तों डीडी फ्रिज के MPG4 सेटअप बॉक्स में आप लोगों को देखने को मिल रहा था, और अब इस चैनल पर आप लोग देखेंगे तो कलर्स बार आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये चैनल भी यहाँ से हटाया जा चुका है। फिर से दोस्तों प्रसार भारती क्या करेगा, ई ऑक्शन की डेट रख देगा, फिर से कोई भी ब्रॉडकास्टर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और फिर से वही होने वाला है भाई। या तो प्राइजेस कम करने होंगे तब जाकर ई ऑक्शन रखनी पड़ेगी, या फिर दोस्तों इनको जो चैनल बीच में हट रहे हैं उनके साथ कुछ अच्छा सा एग्रीमेंट करना होगा जो एनुअल ई ऑक्शन के बीच में ना हट पाए। सो अपडेट दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लें। धन्यवाद।